खबर है भदोही से। 5 नागरिकों को वॉलंटियर्स कैप पहनाकर डीएम व एसपी ने सिविल डिफेंस की औपचारिक शुरुआत की। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के तहत कार्यों में नागरिकों की भागीदारी हासिल कर जनता के संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने में पुलिस व प्रशासन का है योगदान। सिविल डिफेंस के सदस्य न केवल अपराध कानून व्यवस्था व आपदा अपितु त्योहार जैसे आयोजनाओं में भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर सकेंगे काम। जनपद के युवाओं समाज सेवियों छात्रों प्रबुद्ध जनों व सज्जन मानस के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनने की डीएमएसपी ने की अपील। बता दें भदोही 2 जनवरी नव वर्ष के शुभारंभ पर जिलाधिकारी गौरंग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने 5 नागरिकों गोपाल सोनकर शाहिद खान रमेश पासी मनोज कुमार गुप्ता विनित बरनवाल को कैप पहनाकर वॉलंटियर्स बनाकर सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा संगठन की औपचारिक शुरुआत की। जिलाधिकारी गौरंग राठी ने सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा संगठन के उपयोगिता व प्रासंगिकता पर बल देते हुए बताया कि सिविल सोसाइटी जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का मनोबल बनाए रखने हेतु मानवीय या प्राकृतिक आपदा को रोकने या प्रभाव कम करने वाले प्रशासन व पुलिस की मदद करता है। सिविल डिफेंस खतरों के खिलाफ नागरिक आबादी की रक्षा करने और शत्रुता या प्राकृतिक आपदाओं के तत्काल प्रभाव से उबरने और इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तों को प्रदान करने के उद्देश्य से मानवीय कार्यों के प्रदर्शन को दर्शाता है। सिविल डिफेंस में इंटरनेशनल सेटअप है यह मानवीय कार्य के रूप में जाना जाता है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने सिविल डिफेंस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज में शांति सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। सिविल सोसाइटी में वॉलंटियर्स मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में आपातकालीन संचालन सिद्धांतों रोकथाम शमन तैयारी प्रतिक्रिया या आपातकालीन निकासी और पुनर्वास की क्रियान्वित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिविल डिफेंस का संगठन बाढ़ अग्निकांड रोड एक्सीडेंट भगदड़ आदि जैसे मानवीय व प्राकृतिक आपदाओं में मानव जीवन के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। लोगों को कैजुअल्टी सर्विस प्राथमिक चिकित्सा भी दी जाती है। प्रशासन की तरफ से सिविल डिफेंस में नोडल अधिकारी उप जिलाधिकारी योगेंद्र साहू व पुलिस की तरफ से व प्रभारी निरीक्षक LIU नरेश कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जनपद के युवाओं समाज सेवियों छात्रों प्रबुद्ध जनों व जनमानस से अपील की है कि स्वेच्छा से सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बनकर जनहार्थ में अपनी भूमिका निभाएं। आज जिलाधिकारी कक्ष में 50 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से वॉलंटियर्स बनने हेतु अपना नामांकन कराया। साथ ही नोडल अधिकारी योगेंद्र साहू ने बताया कि जल्द ही सिविल लाइंस डिफेंस में बैठकर विस्तृत रूप से रूपरेखा बनाई जाएगी और कार्य योजना क्रियान्वित की जाएगी। भदोही से विशेष रिपोर्टर आजाद खान बापू की रिपोर्ट। आज पुलिस और प्रशासन की तरफ से संयुक्त रूप से मैं और कप्तान साहब भी मौजूद हैं प्रतिनिधि के रूप में और नेतृत्व के रूप में। न केवल रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसमें पुलिस लाइन से पुलिस विभाग के प्रशासनिक और सामान्य नागरिक सभी लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान करेंगे। उसके साथ साथ ब्लड टेस्ट शुगर टेस्ट इत्यादि भी साथ में कार्यक्रम रखा गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहल आज हम प्रथम बार इस जिले में कर रहे हैं जिसमें सिविल डिफेंस सोसाइटी जो इस प्रदेश में विभिन्न जनपदों में पहले भी बहुत पॉजिटिव भूमिका अदा करती आई है चाहे वो कानून व्यवस्था स्थापित करने के रूप में हो सौहार्द की भावना का संचालन के रूप में हो या फिर विकास कार्यों में प्रशासन के साथ पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करने के रूप में हो तो उसकी नींव आज यहाँ पर रखी गई है। इसमें आज स्टार्ट करने के तौर पर 5 हमारे पॉजिटिव इसी प्रकार के मेम्बर्स सोसाइटी से अलग अलग क्षेत्रों से जोड़े गए हैं और इसके लिए नोडल अधिकारी पुलिस और प्रशासन से भी नियुक्त किए गए हैं डिप्टी कलेक्टर रैंक और इंस्पेक्टर रैंक के जो कि इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे और हम समय समय पर इसी तरह की ड्राइव करके इसकी मेंबरशिप अगले 2 से 3 माह में करीब 300 से 400 लेकर जाएंगे।